में अभी की खबर है ओलची की लिपि को लेकर बढ़ा विवाद। हाल ही में संथाली भाषा को लेकर ओलची की हूल बैसी समूह ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। बता दें कि ओलची की हूल बैसी समूह संथाली भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने और संथाली शिक्षकों की बहाली सहित अन्य मांग कर रहे हैं। ये समूह संथाली समुदाय के उत्थान के लिए चार सूत्री एजेंडे की मांग कर रहा है। इसमें शामिल है संथाली भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देना, एक अलग संथाल अकादमी की स्थापना, ओलची की लिपि में संथाली भाषा की पुस्तकों की छपाई और पढ़ाई और संथाली शिक्षकों की बहाली। चलिए अब जानते हैं ओलची की लिपि के बारे में। तो इसे 1925 में भारत के मयूरभंज राज्य यानी जो अब उड़ीसा का हिस्सा है के लेखक और शिक्षक रघुनाथ मुर्मू ने संथाली को मुंडा भाषा तरीके के रूप में बनाया था। ओल चिकी को ओल्ड सीमेट, ओल्ड सिक्की, ओल या संथाली वर्णमाला के नाम से भी जाना जाता है। इसे संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस लिपि को पहली बार 1939 में मयूरभंज राज्य प्रदर्शनी में प्रचारित किया गया था। मुर्मू ने ओल चिकी लिपि में 150 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें उपन्यास, कविता, नाटक, व्याकरण, शब्दकोश और भाषा और लिपि के बारे में अन्य जानकारी शामिल है। संथाली लैटिन, उड़िया, बंगाली और देवनागरी अक्षरों में भी लिखी जाती है। संथाली भाषा की बात करें तो ये मुख्य रूप से उत्तरी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों और उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश, पूर्वी नेपाल और भूटान में भी बोली जाती है। 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संथाली भाषा को बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं के साथ भारत के संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया है।